मम्मी को भी याद करोगे, पप्पा को भी याद करोगे। बेटे पंछी बनू उड़ता फिरू तेरी भूतनी के निकल। ये अनुबिस का स्टैचू बना हुआ है, ये लेजेंडरी पाल है क्या? क्योंकि इसका स्टैचू बना हुआ है, अगर स्टैचू बना तो ऑफकोर्स ही लेजेंडरी होगा। यार ये पागल है, यार ये पागल है। औरत तेरी मेरी। So, हो गेमर्स, कैसे हो तुम सभी लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का पालवल के एक और नए एपिसोड में मेरे भाई। और अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा ना, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हुए हैं। मैं ऑफलाइन बहुत ज्यादा ग्राइंड कर रहा था, एक संडे को आई गेस मैंने अपलोड नहीं कर पाया, तो भाई मेरे बहुत सारे काम किए हैं, वो चीज तुम लोग को पहले दिखलाऊंगा। लेकिन उससे पहले पिछला एपिसोड नहीं देखा फटाफट से पहले देख के आओ, आई बटन पे उसका लिंक दे दिया हूँ मैं, ऊपर पे आई बटन है वहां पे तुम लोग क्लिक करके डायरेक्ट पिछला एपिसोड देख सकते हो। और ये उड़ी क्यों मार रहा बे, ये बार बार उड़ी क्यों मार रहा है? आई डोंट नो क्या चल रहा है इन लोगों का अभ्यास की भाई यार। और हाँ तुम लोग कम, थैंक यू सो मच है सबसे पहली बात तो इतना प्यारा सपोर्ट करने के लिए, आई एम रियली रियली थैंक यू मेरे भाई। मेरी तरफ से सच में बता रहा हूँ बहुत ज्यादा थैंक यू यार तुम लोगों को, एंड और भी तुम लोगों को सपोर्ट करना है। हाँ लेकिन सबसे पहली बात लाइक कर दो मेरे भाई, इस वीडियो को फटाफट से पहले लाइक कर दो, तुम लोग भूल जाते हो तो मेरे भाई पहले लाइक कर दो फटाफट से। है कर दिया ना? हाँ ठीक है फिर, नहीं किया होगा तो भाई पाप लग जाएगा, मैं पहले बता दिया हूँ मैं। हाँ सबसे पहली बात मेरे भाई तुम लोग को एक चीज़ दिखाने वाला था, मैंने एक चल के ही दिखलाता हूँ। देखो एक दिक्कत क्या होगी पता है, तुम लोगों ने बोला हुआ है ना भाई कि वो क्या बोलते हैं, एक तो रेंच बनाओ और एक ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग वाला एरिया बनाओ, है ना? तो आज वो हम लोग करने वाले हैं और भी बहुत सारे काम करने वाले हैं, लेकिन जो जो काम अभी मैंने जो किया हुआ है ना वो पहले तुमको दिखलाऊंगा मैं। सबसे पहली बात ना एक दिक्कत क्या होगा यार, मतलब पहले स्कैम दिखाता हूँ मेरे साथ में क्या हुआ। ये जो पाल बॉक्स है ना, आई गेस इसका नाम पाल बॉक्स जो भी है यार तुम समझ जाओगे ना, हाँ पाल बॉक्स ही है। अरे हाँ तुम लोग को एक चीज दिखलाता हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक वाला बंदा है ना भाई, ये ग्लिच ठीक नहीं हुआ है, बॉसेस को पकड़ने वाला ग्लिच ठीक नहीं हुआ है, तुमको दिखलाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक बॉस पकड़ा है और मैंने चार पाँच दो और पकड़ लिया है और एक और पकड़ा था भाई। ए भाई कहाँ है पता नहीं, लेकिन वो ढूंढ लेंगे अपन, वो पकड़ा हुआ है। तो भाई देख लो हमारे पास में ग्रीस बोल्ट कितने सारे, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक वो तो है, वो अच्छे खासे लेवल का हो चुका है, 38 लेवल का हो चुका है चाचा वो। और ये लकड़ी उठाने का काम कर रहा है मजदूर तेरी भैंस की। और हाँ मैंने केक बनाने के लिए इसको ऑर्डर, इसकी भैंस की भाई ये बंदा यहाँ पे उड़ी मार रहे हैं बेटे, खेलने कूदने के दिन नहीं है तुम्हारे, काम करने के दिन है। अबे यार भाई ये उठना, लिफ्ट क्यों नहीं कर तेरी भैंस की टट्टी। रुको सबसे पहली बात एक फॉक्स पार को यहाँ पे डालता हूँ, उसके बाद इसको वापस यहाँ पे डालूंगा मैं। चल मेरे भाई इधर 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 सारे, इसको केक बनाने के लिए बोला था मैंने, काम चोर कहीं का। यस यहाँ पे जा और चल जल्दी कर, जल्दी कर वो बना, कितने 6 बना चुका है ना। यस मैं उठा क्यों नहीं पा रहा, अब उठा पाऊंगा आई गेस। हाँ 3 चल जल्दी बना, ये बना क्यों नहीं रहा है, ये बना रहा है लेकिन ये फूक क्यों नहीं पा रहा है, जो भी है भाड़ में जा भाई तू तो इसको मैं। अच्छा हाँ तुम लोग को और दिखलाता हूँ कि यहाँ पर मैंने वो बनाया हुआ है और ये केक डाला हुआ है। हाँ एक चीज़ ग्लिच बहुत अच्छा ग्लिच है, ये कूलर जो वो काम नहीं करता है ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, जैसे कि यहाँ पे देखो टाइमिंग देखो 8 मिनट हो रहा है ना, तो इसके अंदर डालूंगा ना मैं और इसके बाद वापस से करूंगा, तो देखो 19 मिनट वापस से हो गया। मतलब ये थैंक यू सो मच हर्ष भाई ने मेरे को बताया ये ग्लिच, थैंक यू सो मच मेरे भाई। एंड ये देखो इसको डाल दिया, तो वही बार बार निकालोगे डालोगे ना, तो वो ये टाइमिंग है ना स्पॉलिंग स्पॉल नहीं होगा, मतलब स्पॉल टाइम रिसेट हो जाएगा। कितने हैं मेरे पास में, 8 है भाई, और इससे ना हम लोगों को ना अच्छी खासी मतलब न्यूट्रिशन मिल जाता 656 का। और इतना मेरे को पता चला तुम लोगों के कमेंट से कि भाई ब्रीडिंग करने के लिए केक की जरूरत पड़ती है, तो मैं आसकी मजा आ गया ना भाई, बना लिया ठीक है ये बना लिया हूँ। और इसको बनाने के लिए मिल्क विल्क चाहिए रहता है, तो मिल्क कूलर में ख़राब तो नहीं हो गया ना, अभी भी और रखा था मैं अब। अच्छा हाँ मैंने यूज़ तो कर लिया ना यार केक बना के, क्या गेम बॉय तू भी यार, जब प्राणी हो भाई मतलब अब नहीं है, अब नहीं बन सकते उतने, अरे वो 3 और बनने वाले ना भाई। तो सबसे पहली बात तुमको एक चीज़ और दिखलाता हूँ मैं, चलो ये देखो मैं ये बना रहा था भाई, बाउंड्रीज वगैरह बना रहा था क्योंकि यहाँ पर मैं ब्रीडिंग कराऊंगा सोचा था, लेकिन भाई इस गेम ने तुम्हारे भाई के साथ में स्कैम कर दिया। कैसे पूछो 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 रुको तुमको बता रहा हूँ, जैसे कि ये रेंच ये अभी बना नहीं सकता हूँ मैं ठीक है, मतलब एक दिक्कत
तुमको जो चीज अंदर ही जाना पड़ेगा, मतलब ये ब्लू लाइन देख रहे हो ना, ब्लू लाइन समझ गया ना, ये एरिया किसका है, पाल बॉक्स का है, और इस पाल बॉक्स के अंदर के एरिए में ही हम लोगों को ब्रीडिंग ब्रीडिंग या फिर रेंच बनाना पड़ेगा। तो इस वाली जगह पे मैं रेंच नहीं बना सकता हूँ, बहुत वो हो जाएगा। यहाँ पे देखो अंदर बना लूंगा मैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाऊंगा ना मैं, हक देगा ये। अभी तो ये बोलेगा कि इनसफिशियंट मटेरियल्स बोलेगा, भाई मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि इसके अंदर पे नहीं हो, ये ब्लू वाले के अंदर पे। हाँ भाई मैंने टेस्ट कर लिया, तुम बोलोगे कि बाहर जाने के बाद इनसफिशियंट इस टाइम वो आ रहा है मटेरियल्स, जब मेरे पास में पूरे पूरे मटेरियल्स है ना, उसके बाद भी ऐसा पंगा हो रहा था। मतलब कि मेरे भाई इससे यही पता चलता है कि इस पाल बॉक्स के एरिए में ही मैं रेंच वगैरह बना सकता हूँ, रेंच बना सकता हूँ, ब्रीडिंग वाला एरिया बना सकता हूँ। तो वो अभी कहाँ पर बनाऊँगा अब मैं, वो चीज़ तुमको दिखलाऊंगा। और हाँ, ये मैंने ये चेंज कर दिया है कपड़ा, हीट रेजिस्टेंस पेल्ट आर्मर। तुमको एक चीज़ दिखलाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया, यहाँ पे एक बॉस है, इसको ढूंढ रहा था, मेरे को नहीं मिला। इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे एक केओ देखा मैंने, एक या दो केओ था शायद, उसके अंदर पे जाएंगे तब हम लोगों को ये एलिजा भी मिलेगी। और ये वाला जो एरिया ना, ये मैं सोच रहा था कि बर्फ़ वाला एरिया है, वाइट देख के, वाइट वाइट फेस, मतलब मैप देख के, तो ये एक्चुअल में बर्फ वाला एरिया नहीं है, ये रेगिस्तान एरिया। यहाँ पे गया था तब मेरे को हॉट हॉट हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये वाला शर्ट बना लिया है, आर्मर बना लिया, मतलब कि हीट रेजिस्टेंट, मतलब इससे अब मेरे को हीट नहीं लगेगी या कम हीट लगेगी, मतलब ऐसा बोल सकते हो तुम। और मैंने रुको, मैंने ये कोल्ड कोल्ड वाला भी बना लिया, लेकिन ये मेटल वाला आर्मर मैं रख लेता हूँ यार। और यहाँ पे मैंने ये देखो स्पेयर्स, हाइपर स्पेयर्स, भाई तुम्हारे भाई ने कतई एकदम खतरनाक तरीके से ग्राइंड किया हुआ है। अब तुमको लग रहा था इतने से तो ग्राइंड किया, भैया इतने करने में ना फट जाती है, और चीज़ किया हुआ, वो चीज़ तुमको दिखलाता हूँ। चलो एक फास्ट ट्रैवल करता हूँ। अब तुम लोग बोल रहे हो कि ब्रीडिंग कहाँ करेगा ये बंदा, तुमको एक चीज़ दिखलाता हूँ, ये वाला बेस तुमको याद होगा। चलो यहाँ पे चल के दिखलाता हूँ तुम लोगों को, यहाँ से ये देखो, यहाँ पर भी पूरा सेटअप भाई, ये देखो ये पूरा एरिया के अंदर में। और ये कौन सा एरिया तुम लोग को याद होगा, सेंडिकेट टावर वाला, यस मेरे भाई। अरे पाल टीवी संगरी कौन है बे, किसको इतना भूख लग रहा रे, कौन भाई, ये होगा शायद, ये खा ले भाई, तू भी खा ले भाई, गेम बॉय को भी भूख लगी है ले भाई, अब शायद नहीं होगा। और ये सब आर्मर जो है, ये स्टोन पिक, ये सब इसको रिपेयर कर लूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है। हबीबी हबीबी क्या करती तुम हबीबी, यहाँ पे कुछ नहीं करती, हग्गू करती बोलती है हबीबी। और यहाँ पे मैंने स्नोमैन बनाया है, और आई गेस इससे मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती है, मतलब पाल्स की स्पीड वगैरह बढ़ जाती है, इससे माइनिंग स्पीड बढ़ जाती है, इससे ये कौन सा टूल है ये, इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, बट इसको लगाने से थोड़ी सी इनकी स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे मैंने ये एग वाला वो लगा रखा है, और ब्रीडिंग, अरे भाई तुम लोगों ने बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ बताई है, हर्ष भाई ने स्पेशली, मतलब मैं ऐसा पर्टिकुलर एक जन का नाम नहीं लूँगा यार, आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आई एम रियली सॉरी अगर किसी का नाम यहाँ पर मैं अगर नहीं दिखला पाऊंगा, शॉर्ट आउट नहीं दे पाऊंगा। एंड सबसे पहली बात, ये ब्रीडिंग फार्म बनाना है मेरे को, ब्रीडिंग फार्म नहीं बना सकता यार, फाइबर चाहिए भैंस की, फाइबर और वुड चाहिए मेरे को। अरे मजदूर तुम्हारी भैंस की, मेरे पाल्स कुछ काम नहीं कर रहा है, अबे तू, अच्छा यहाँ से कलेक्ट करना है बस मेरे को, ये देखो ये क्या, अबे क्या गुप्तगू कर रहे हो बे तुम, अच्छा यहाँ पे मैंने वो, अरे मम्मी रे, यहाँ पे मैंने वो बना रखा है वो नहाने के लिए इसके अंदर में फंसा हुआ है कि ये नहा रहा है भैंस की, ये कर क्या रहा है ये, अरे मैं वेट हो गई यार, अरे चाचा, अरे रे 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 रे, फाइबर भी मिला मेरे को, लेकिन फाइबर मेरे को एक चीज़ से और मिलता है, वो मैं बना लूँगा, वो वहाँ पर, वहाँ से फाइबर मिलेगा। चलो जल्दी से पहले ये मैं लकड़ी रख देता हूँ स्टोरेज बॉक्स पे। सो ये स्टोरेज बॉक्स पे मैं आ गया, अब यार एक घंटे से बेचारा चल रहा है, मैं क्या बताऊँ, कितने फाइबर मेरे पास में, तीन है, ये भी मेरे पास में इतने हैं, अरे ए लकड़ी कहाँ है, लकड़ी है 700, नहीं 700 नहीं, ये तो वेट, अभी ये ऊपर वाला वेट है शायद, ऊपर जो लिखा रहता है वो वेट रहता है। और यहाँ पर से मैं फाइबर बना सकता हूँ, तो मेरे भाई वुड से ही फाइबर बनेगा, तो इसको मैं ऑर्डर कर दे जाता हूँ दबा के फाइबर बनाना। और आई गया ऐसा, अगर मैं गलत नहीं, तो ये भी फाइबर ही है, फाइबर और वुड दोनों है, इतना में तो हो जाना, आई डोंट नो कौन आ रहा है बनाने के लिए, हाथी आ रहा है बनाने के लिए, आ जा बेटे जल्दी से बना दे बड़े। अब यहाँ पर से मैं बना सकता हूँ क्या, प्लीज यस यस, इसके लिए फाइबर चाहिए था। चलो फाइबर बनने देते हैं जब तक से रेंच बनाता हूँ। और रेंच के अंदर में तुम लोग बोल रहे थे कि काऊ वगैरह रख सकते हो, तो ब्रीडिंग इधर रखता हूँ यार मैं, ब्रीडिंग और ब्रीडिंग के लिए अनुबिस तुम लोगों ने बोला कि सबसे बेहतरीन वाला डायनो पाल्स है, बोले तो पोकेमॉन है भाई, तो मैं ये बना देता हूँ। कितना टाइम लगेगा रे बाबुआ, है कितना टाइम, 29 सेकंड लगेगा, सब लोग आ रहे काम करने के लिए, हबीबी भी, हबीबी हबीबी भी ये भी आ रहा है काम करने, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ।
और ये ब्रीडिंग फार्म के लिए स्टोन, अबे यार स्टोन फिर उठाऊंगा तो मेरा ना वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये अरे भाई ये भी वो करने का काम करता है ये, भाई मेरे को पहले दे बे 683 चल जाएगा इतना चल, भाई 683 में इतना वेट हो गया यार मेरा, ये क्या बकवास है भाई। तो यस मेरे भाई यहाँ पर भी मैं इसको रख देता हूँ, चल मेरे भाई यहाँ से निकल। और ये गीगा शील्ड, हाँ मैंने एक शील्ड और बनाया ये वाला गीगा शील्ड, सॉरी अरे यार दो दो गीगा शील्ड अच्छी बात है, रखना चाहिए क्योंकि अपने को मेरे को और क्या करना था गाइस, फाइबर 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 उठा लेना अपन। कितना बन गया रे चाचा, 42, अरे जल्दी बना रहा है यार ये, मस्त है। अब मैं बना सकता हूँ आई गेस यू ब्रीडिंग फार्म, ब्रीडिंग फार्म मैंने बनाया आई गेस, नहीं ब्रीडिंग फार्म बनाना है आई गेस मेरे को। चलो लेट्स गो, चलते हैं बनाते हैं इसको भी ये, फिर ब्रीडिंग करवा सकते हैं, ब्रीडिंग करवाने के बाद में फिर बच्चे वादा करवाएंगे। अनुबिस यार तुम लोगों ने अनुबिस के लिए बताया हुआ है कि किसको किसको मेरे को ब्रीडिंग करवानी तब जाके वो हमको अनुबिस देंगे वो, हे सब पता है हमको, मतलब क्लैरी बताता हूँ तुम लोग को बताता हूँ मैं। जैसे कि ये इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा भाई, 4-5 घंटे तो नहीं लगेंगे ना, ए सेकंड्स कहाँ दिखला रहा है, आई डोंट नो, अरे बनने वाला है ये तो, आई डोंट नो, पता कैसे चलेगा गाइस, इसमें पता ही नहीं चल रहा है सेकंड्स कितने बने। अच्छा ठीक है होते रहेगा, तब तक से मैं क्या करता हूँ कि जो ऐसे बंदे को निकालना है मेरे को, ये देखो ये कैलरी जो भी नाम है भूतनी का, इसको एक निकालना है मेरे को। और ये विक्सी, विक्सी को ब्रीडिंग, नहीं विक्सी विक्सी ही बोला था ना तुम लोग, नहीं नहीं विक्सी नहीं बोला था यार तुम लोगों ने, इसको तो तुम लोगों ने बोला था कि उसमें डालना। और यहाँ पर एक वो ब्लू ब्लू सा रहता है ना, रुको मैं भूल, ये एल्फीड्रैन, इसको निकालने बोला था। ये मेल है कि फीमेल है, ये दोनों मेल है आई गेस, अबे नहीं यार एक फीमेल वाली चाहिए फिर मेरे को, इसको निकाल देता हूँ। तो ऑफकोर्स यार मेल और फीमेल का ही जोड़ा जमेगा ना भाई, हैं तब तो कुछ होएगा, तब तो अंडे आएंगे, इसको पकड़ना पड़ेगा यार, दो ही है मेरे पास में, दोनों काम के नहीं है, दोनों मेल है। नहीं इसको नहीं, नहीं अबे ये नहीं 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 एलिफ एल इसको नहीं बोला था मैं भाई, का फुल कन्फ्यूजन हो जाता हूँ कभी कभी यार। ये क्या है, ये भी मेल है कि फीमेल है पता नहीं, बट ये मेल ऐसी रहता है उसको मेल करते बोलते हैं ना। रुको रुको ना 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 इसको नहीं बोला था, रुको ये बोला था तुम लोगों ने रिलैक्सोरस को, लेकिन ये मेरे पास में दोनों सेम उस वाले हैं। नहीं यार गड़बड़ हो गया गाइस, चलो मेरे को मतलब कि ये देखो ना यार, हाँ ब्रीडिंग नहीं करेंगे एक बार करके, नहीं पागल है क्या, कैसे ब्रीडिंग कर लेंगे गेम बॉय। ये देखो मेरे पास में क्लियर जो भी है ना ये मेल वाली ही है आई गेस, इसके अंदर ये डालते हैं, बन गया ना मेरा ब्रीडिंग फार्म। अब इधर अब भूतनी के इधर तू कहाँ जा रहा है, अरे अच्छा वो करने जा रहा है ट्रांसपोर्ट के काम आता है। अरे भाई एक एक पत्थर, अबे भाई एक एक पत्थर कौन उठाता है रे चाचा, तू इधर आ तू अंदर आ बेटा, यहाँ ब्रीडिंग कर तू बेटा, तेरा को तो ब्रीडिंग करवाएगा ना बाबा। देख एक ये चाहिए और एक ये वाली चाहिए, मतलब ये फीमेल वाली चाहिए अपने को, तो एक यहाँ पे ला दिया लेकिन वो फीमेल नहीं है। ये देखो इसको पकड़ना पड़ेगा, तब इन लोग जो ब्रीडिंग करते ना तब अनुबिस पैदा होता है, बड़ा अजीब सिस्टम है यार अलग दोनों अलग अलग प्रजाति को ब्रीडिंग करवाएंगे तो अलग प्रजाति का अंडा पैदा होगा। यह बेटे इधर आ तू, जरा तेरे को उठाऊं मैं एक बार ट्राई करके देखने में क्या है, हो सकता है इस गेम में ब्रीडिंग हो जाता हो भाई, और क्या चाहिए छोड़ो है ना भाई, भरोसा गया है प्याज की। चल बेटा यहाँ पे आ, नहीं भाई नहीं दो हो गया ना भाई, यार ये बाहर निकल जाएगा कि अंदर ही रहेगा, चले बाहर निकल, नहीं नहीं बाहर नहीं निकल रहा, इनको छोड़ेंगे तो हम लोग अंदर ही रहेगा। चलो मतलब कि इन दोनों में से किसी को भी फीमेल मेरे को चाहिए, उसके बाद हम लोग ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो मेरे घर के पीछे तरफ में क्लैरी क्लैरी क्लारी जो समझ जाना, क्लैरी बोलूंगा तो ठीक है ना भाई। ये दरवाजा क्यों खुल जाता है बेटे, तुम लोगों को इधर आने कौन बोलता है बे, ये दरवाजा मैं बंद करता हूँ हमेशा खुल जाता है। ये देखो ये देखो ये, अरे ये लोग मेल ही रहते हैं क्या, देखो रेड में बस ऐसा है, ये रेड वाला मेल रहता है कि फीमेल रहता है वो बता देना भाई। ये भी ये है, ये तो दूसरी भाई, नहीं यार इसको नहीं पकड़ना मेरे को, फिर वो रिलैक्सर्स को पकड़ना पड़ेगा। ये देखो ये पूरे के पूरे सारे, ये एक मील है, एक मील गई रे, मजा आ गया रे, आजा बेटे इसको मारना नहीं भाई मेरे को, तेरी भूतनी के नहीं तो दूर, अरे चाची अरे वाह 50% हो जाएगी भाई, तू अगर ना बकवास पेलेगा तो यहीं पेल दूंगा, क्या बोलूंगा यहीं पेल, चल निकल सारे पकोड़े। चलो हो गया भाई हमारा काम, ब्रीडिंग करवा सकते हैं अब फटाफट। तो यस मेरे भाई लोग हम लोग यले बेस पे आ चुके हैं, बेटे तू निकल यहाँ से, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले फुर्सत पे निकल, ये यहाँ पे आ जाएगी ना वो बंदी,
अरे यार पहले ढूंढना ही पड़ेगा मेरे को। ये है 4 लेवल की है। यस यस यस, ये लेवल से फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, वो पैदा होगा तो एक ही लेवल का रहेगा ऑफ कोर्स। चल मेरे भाई तू इधर आ, तो फेंकना है। अबे इधर, अरे आते ही लेवल अप। अरे तेरी भैंस की टट्टी। भाई इधर आना तू भैया, तेरे को मजे दिल मतलब मजे नहीं मतलब ब्रीडिंग करवाता है भाई। अब तुम लोग जो करना है करो अब, ठीक है? तुम लोग करो करो करो। यस यस यार रुको, ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहे? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। 2 मिनट कुछ ली। अबे रुको, लव ओके लव तो हो रहा है लेकिन नॉट इनफ केक। अबे गेम बॉय केक कौन डालेगा? तेरा पप्पा है? नहीं पप्पा नहीं डालेगा, मैं ही डालूंगा, टेंशन मत लो। अभी डालते अपन केक यहाँ पे है ना, मतलब एक ही केक खिलाना पड़ेगा ना, ऐसा कुछ सीन है ना गाइस। ये 4 हो गया, चलो 4 रख लिए रहता हूँ मैं। चलो जल्दी चलो रे, लेट्स गो गाइस। आ जाओ बेटे, तुम लोग को केक खिलाता हूँ बेटे। मतलब एक केक से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये? अभी पूरे पूरे केक क्यों? मैं पूरे पूरे केक नहीं खिलाऊंगा बेटे, सिर्फ एक केक से देखूंगा कि एक केक में हो जाएगा काम इनका। हेलो सर, आपका काम हो जाए। अरे एक केक से हो गया, मतलब एक केक से एक अंडे। ब्रीडिंग कर रहे हैं, लेट्स गो। यार ब्रीडिंग करते हुए दिखा नहीं रहे हैं यार, हमको देखना था भाई। हैं यू सो नोटी नोटी गेम बॉय है बेटे। देखो अगर मैं ये पूरा पूरा डाल दूँ तो नहीं, अलग अलग करके डालूंगा। हो सकता है कि अलग अलग करके डालूँ ना, तो 4 केक डालूँ तो 4 ठोक अंडे दे दे ये लोग। भाई ब्रीडिंग कितना टाइम लगेगा? आई डोंट नो। ये ब्रीडिंग होने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्लोर वगैरह करते हैं, और मेरे को इस वाली जगह पे जाना था। ये देखो ये वाला एरिया भी मैंने ओपन कर रखा है टावर पे जा जा के। भाई बहुत टाइम तो लगता है यार वैसे एक्सप्लोर करने में ऑफकोर्स, लेकिन नए नए डायनासोर नहीं दिखे मेरे को, पोकेमोन नहीं दिखे मेरे को। एलिजा बी को पकड़ने चलते हैं। एंड इस तरफ ना ये, और तुम लोग के कमेंट से मेरे को पता चला कि मेरे को कोल चाहिए था, वो कोल रेगिस्तान वाले इलाके में मिलता है, और एक्चुअल में ये रेगिस्तान वाला ही इलाका है। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे इसके बाद में, मज़ा आएगा चाचा, क्योंकि मेरे को कोल भी चाहिए। और कोल के लिए सबसे पहली बात, मेरे को अपने जितने भी चीज़ें हैं ना भाई, उसको मेरे को अच्छे से रिपेयर करना पड़ेगा। रिपेयर वाला टूल कहाँ पे मेरा? ये रहा रिपेयर वाला टूल, लेट्स गो। जैसे कि मेरे को ये करना है भाई, इसी से तो माइन करूँगा मैं। और ये भी मैं कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये गन भी, ये पिस्टल भी अच्छा है यार, पता है तुम लोगों को, डैमेज अच्छा देता है ये। मेटल आर्मर भी रिपेयर, ओके हो गया। चलो लेट्स गो गाइस, डायरेक्ट मैं वहीं पर ही मिलता हूँ मैं तुम लोगों को। तुम लोग को चीज़ दिखलाता हूँ। व्हाट गेम बॉय, क्या नल्ला वाली हरकतें किया। मैं घर जा रहा हूँ, इसको निकाल के भेजूंगा उसके पास में। हो सकता है ज़्यादा लेवल की है तो ये ज़्यादा अच्छे स्टेट्स दे हमको। ऐसा होता होगा क्या? मेरे को कमेंट करके बताना यार भाई। यार मैं नहीं जा रहा वापस से ब्रीडिंग होने, तुम्हें बार बार वो काम करने में मेरे को पसंद नहीं है भाई। चलो कोई नहीं, देख लेंगे बाद में यार, और ब्रीडिंग करवा लेंगे। ये क्या जमा करा बे, इसका बक्सा है भाई, हैंडगन एमो। अरे वाह जी वाह, लेट्स गो। अभी मेरे को तुम लोग को एक चीज़ दिखाना था ना, मतलब ये तो मेरे को ढूंढने पे नहीं मिली भाई। मैं ऑफलाइन मतलब ग्राइंड कर रहा था तो देख रहा था, नहीं मिली। तो यहाँ पे एक केव देख, आई गेस मैं इस तरफ भी देखा था केव मैंने। अपने चाचा को बुलाने दो। चलो चाचा यहाँ पे देखो, कांड हो रहा है, हबीबीज ने हमला कर दिया है। हरामी है भाई हबीबी से, इतने हरामी है ना। अंदर में आईलीजी आईली, मेरे को लग तो रहा है इसी का ही एरिया होगा यार। देखते जाके कुछ ना कुछ तो अपने को मिल ही जाएगा। लेट्स गो भाई, मैं आर्मर पहन लूँ यहाँ पर? मेरे को ये रेजिस्टेंस नहीं हो रहा, मतलब वो हॉटी हॉटी नहीं लग रही, तो भाई मैं ये पहन लेता हूँ। लेट्स गो, इससे अपना वो बढ़ जाएगा ना आर्मर ऑफ कोर्स, इसलिए भाई मैंने हाँ मसाल रखा हुआ है ना भाई, टॉर्च रखा हुआ है रे बाबा। लेट्स गो, आई गेस मैं जा रहा हूँ, देखते हैं। लेट्स गो, इसको तो पकड़ना ही है यार। ये बी ऑफ कोर्स फिर हानि देगी हम लोगों को और भी ज़्यादा ज़्यादा, या पता नहीं क्या करेगी ये भाई साहब, यह तो खतरनाक डंजन है। ये इससे कुछ मिलेगा क्या अपने को? भाई एलिजा, मैं एलिजाबेथ बोलने वाला था। व्हाट गेम बॉय, ये इसके चमचे चले जा भाई। ये कि 25 लेवल का, ये भी बढ़िया लग रहा है। अबे सबको पकड़ेगा, अपन सबको पकड़ेगा मैं इसकी। रुको ये, ए मैं कुछ नहीं कर रहा, तेरी भूत, अरे 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 तेरी भूत नहीं, मेरे को मारेगा। टूट टुटकी, टुटकी नहीं छुटकी होता है वो गेम बॉय। अरे तेरी, मैं किसको मार रहा हूँ मम्मा? भाई मेरा खसक जा, ये निकाल लेते ना यार सब। तुम्हारी भूतनी के अभी आ रहे हो, अबे ये तो अटक जाएगा। अरे नहीं अटका, ए चल निकल रे चल। ये देखो तारे दिखला दिए ना, बैठ
मम्मी को भी याद करोगे, पापा को भी याद करोगे बेटे। पंछी बनू उड़ता फिरू, तेरी भूतनी के निकल। है तितली? तितली तो है नहीं है। वेरी नाइस। अबे ये क्या ग्लिच था बे। अरे यार वहाँ जगह नहीं था अंदर जाने का, और एक देखो ग्लिच मेरे साथ में गंदा हो गया। कोई बात नहीं, वापस चलता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। अभी मैं बूशी को निकालने वाला हूँ, इसका भी लेवल अप करेंगे। और ये भाई समुराई है अपना, इसी को ही हम लोगों ने पिछला भी। ये गलत बात है, अरे मार रहे चाचा। हाँ कसम भाई भर, ये क्या कर रहा है, ये फटने वाला है। मैं मरा, भगवान कसम मेरे को कुछ नहीं दिखा भाई। ये तो इतनी गंदी मारती है ये सब, मेरे को नहीं पता था इतनी खतरनाक हो सकती है। ये फटने वाली चाची आंटी आंटी ये खुद भी मर जाती है, सुसाइड वुसाइड करती है। ये तो मर गई बे चाची, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। हाँ मेरा बच्चा मार देगा तेरे को। ओके पकड़ना है इसको भी, इसके चमचों को भी पकड़ना है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अरे तेरी भाई मैं गलत भाई, मां कसम मेरे को अंदर से फील हो रहा है कि मैं गलत बंदे के साथ में आ गया। ये डैमेज तो तगड़ा कर रही है ये। अरे कौन मार रहा रे बाबा, भाई मां कसम ये छूट कैसे गई रे। अरे पकड़ा जाना भाई, मैं मरने वाला है भूतनी के। ब्रो अरे जमा दिया केक खा ले। भर गया भाई, मम्मा मम्मी याद आ रही है अब मेरे को भाई। मैं इसके नानी याद दिलाने आया था, मेरी नानी याद मेरे को आ गई भाई। ये मार तो स्पीड पता नहीं यार इसका, अटैक कैसे, हराम खोर की बच्ची उसको मारना, मेरे को क्यों मार रही है नुबड़ी। ये रिलोडिंग, एक तो रिलोडिंग से परेशान हूँ चाचा मैं इसका रिलोडिंग। मेरे को एक अच्छा सा गन और देखना पड़ेगा। नहीं वैसे मेरी मेरा आर्मर क्यों नहीं आ रहा है। अरे रिलोड कर ले भगवान। ये मरा मैं, ये मरा मैं, ये मरा मैं। इसको बुलाना पड़ेगा, मार देगा नहीं तो ये। अरे जहर छोड़ना नहीं है तेरे को। मैं कसम से मार सकता हूँ तेरे को, बस छोड़ रहा हूँ बेटा तेरे को मैं, ये याद रखियो। गोल्ड वाला निकालता हूँ मैं तेरे को, क्योंकि मैं तेरे को रेड वाले में पकड़ा जाएगी ना ये भाई। ज्यादा मशक्कत नहीं करना मेरे को, रेड वाले में पकड़ो। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। एलिजा भी तेरी बयांस की, वैसे इसका काम क्या है मेरे को बताना कमेंट करके भाई। ये अटैक बहुत गंदा कर रही थी भाई। फाइनल हुई गाइस। मैं थोड़ा सा एक तो पहली बात बताऊँ, दिक्कत क्या होता है मेरे को अंधेरे से ना, थोड़ा दिखता नहीं है, मैं अंधा हो जाता हूँ, तुमको पता ही है यार। तो इसलिए ना यहाँ पे उजाला नहीं रहता ना, तो और दिक्कत हो जाता है। जैसे कि ये करो तो उजाला आता है बढ़िया से। चलो बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर वगैरह करते हैं अपन, क्योंकि हम लोगों को इस तरफ भी जाना है ये वाला एरिया पे, क्योंकि मेरे को कोल चाहिए भाई, और कोल के बिना मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कोल चाहिए ही चाहिए अपने को, कोल रहेगा तभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नहीं यार, वो रिफाइंड मेटल इनगट ऐसा कुछ तो बनाना है, उसके बाद में हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, अगर वो नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो लेट्स गो। ये देखो मेरे को हॉट लगना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके लिए ना मेरे को ना ये पहनना पड़ेगा, ये हीट रजिस्ट ये वाला। अबे पहन लेना, ये उतार क्यों नहीं रहा है भाई। मैं दो मिनट इसको उतार नहीं, ये भाई इनका अलग ही चो चला रहता है, ऐसे पहनाना पड़ेगा कि मैं नहीं पहना पा रहा हूँ भाई। एक नंबर का गधेड़ा हूँ मैं, फील्ड में क्यों डाल रहा हूँ, यहाँ पे डालना था ना बॉडी पे। ये देखो मेरे को कुछ नहीं हो रहा है अब ये, लेकिन आर्मर नहीं मिलेगा मेरे को चाचा, आर्मर नहीं मिले। देखो वहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है, पता नहीं किसको बना के रखा हुआ है, बेताले को जो भी होगा बचा लेंगे, उसका टेंशन ना लो। घाबरू रुको, तुम्हारा भाई मतलब तुम्हारे देवता आ चुके हैं, फाल्स को बोल रहा हूँ भाई, तो बचा रहा हूँ ना उन लोगों को, भगवान हूँ भाई मैं उनका। लेट्स गो। ये गोली, ये एमो रिलोड, एमो नहीं यार गन रिलोड। अरे हाँ ये भी रिलोड कर ले बेटा। ये कौन है, डिक टॉयस, डिक टॉयस। अबे दो मिना डिक टॉयस, ये एक्चुअल पे हम लोगों को माइनिंग में काम आ सकता है मेरे को तो। हाँ भाई ऑफ कोर्स माइनिंग में काम आ जाएगा वो, पकड़ूंगा भाई इसको। पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे ऐसा कुछ हो सकता है क्या चाचा।
मार उसको बेटा। अरे मत 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 मार, आगे मत मार बेटा, आगे मत तेरी। पता नहीं ये क्या काम आएगा, लेकिन रेड वाला क्यों यूज कर लिया मैं। चलो 50। ये कौन है बे? सैंडिकेट थग्स है। अबे इनको बहुत पकड़ लिया भाई मैं। ये मुर्गियां, इनको भी पकड़ेंगे मैं, आंस की टट्टियां। भाई 14 लेवल की है ये लोग। वैसे ये लोग उतने काम के नहीं है भाई मेरे ख्याल से। भाई चल आ जा बेटा, मार इनको, ये फटने वाले। भाई क्या हरामी है भाई, ये लोग तो फट रहे पूरा। ये तो जान दे दिए, ये होता ना जान दे देंगे तुम्हारे लिए। मतलब ये किसके लिए जान दे रहे, लेकिन खुद ही फट रहे, खुद ही मर रहे। देखा फटेगा ये नहीं। हाँ खुद ही फट के मरा ये। इसको अंदर क्यों ले रहा, ये कौन सा? अरे भाई साहब ये तो हमको चाहिए। लेट्स गो। कौन है रे इधर? हे हे हे, मतलब ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए भाई मेरे को। ग्रीन वाला यूज करेंगे, ये बहुत कम आएगा मेरे। अबे यार इनको मारना पड़ेगा, मतलब गन से ही मार दूंगा मैं। पकड़ा गए, अरे वाह। ये कौन है भाई? आई डोंट नो, जो भी है तेरी भूतनी के। अरे मछली, जमीन में उड़ने वाली, चलने वाली मछली। अले ले 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 ले। व्हाट, इसको नहीं पक। भाई तुम बकवास मत करना, भगवान कसम इतना पेलूंगा। ये देखो की। अब आ जाना, नहीं आएगी तो इतना मारूंगा। चल बेटे जा, मार उनको, उनको मार, उनको मार, उनको मार, जा जा जा, जा, जा मार इनको, मार उनको, धर के पटक दियो सांडों को। चल भुंज के रखो, जाने चाहिए ये लोग। हाँ नहीं भाई, आ जाते हैं बेचारे पाल्स लोगों को। ये कौन है? ये भाई ये डिक भाई, मैं तो जितने होंगे सब पकड़ूंगा। अबे यार ये बंदर को इन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है, भाग भैंस की। अरे भाई इसके गन के क्या डैमेज है रे, व्हाट, ये मेरे को नहीं पता था चाचा। अरे गेम बॉय, बहुत बढ़िया, एक बार में मर गया ये। ये पकड़ाएगा? हाँ भाई रेड वाला खर्चा नहीं करूंगा, सस्ते में हो जाएगा तो सस्ते में निपटाऊंगा इन लोगों को मैं। अरे यार मेरे को पता रहता तो मैं आता ही नहीं इनको लेने के लिए। ये बंदर को कौन छुड़ाएगा रे? ये देखो इसको मारना भाई, पंछी क्या कर रहा है मेरा। पकड़ा जाएगा क्या ये भी? पकड़ा ही जाएगा ऑफ कोर्स भाई। इनको पकड़ने में बहुत कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है ये। मैं बोला था ना मर भूतनी के। और कोई आ रहा है, मारने दे भाई इनको, मेरे को यहाँ से जाना है। यार ये पागल है, यार ये पागल है। औरत तेरी मेरी भाई। यहाँ के डायना, यहाँ के पाल्स जो है ना पोकेमॉन, बड़े खतरनाक हैं भाई। मेरी हेल्थ देखो और मेरा आर्मर देखो, चारों तरफ तो आग लगी पड़ी है भैंस की हर जगह पे। ये देखो ये देखो ये देखो मुन्ने को। वाह भाई, व्हाट अनूबिस, हेलो ब्रो। अनूबिस, मैं नाम सही ले रहा हूँ? हाँ इसी को तो पकड़ने बोला है तुम लोगों ने। इसके ये यहाँ पे मिलता है, ये ऑब्सीडियन है 100% ये वाला ऑब्सीडियन। भाई तुमसे नहीं लड़ने भाई, इनको चूल क्यों मच रही है यार? पहले ये बताओ मेरे को, ये मेरे को मार क्यों रही है? मैं इनको मारा नहीं हूं, उसके बाद भी इनको ना। ये तो वो है गुब्बारे हैं, इनको तो मैं पकड़। भाई इनसे पक्का मेरे को, प्लीज तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरे को यहाँ पर से कॉल दे दो, ये कॉल मुझे मांगता है। रुको पहले इसको वो करने दो, रिलोड करने दो भाई, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली मेरे को पता है। अब इससे कॉल, कॉल चाहिए, कॉल कॉल कॉल। लेट्स गो गाइस, थैंक यू सो मच यार बताने के लिए, जो कि मेरे को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रात भी होने वाला, रात होने से पहले उसको अनूबिस को खिलाना पड़ेगा पहले तो भाई, सच्ची बता रहा हूँ। फिलहाल अभी ये माइंड बाद में करेंगे क्या अपन, पहले अनूबिस को पेल देते हैं। उसको पेलने के लिए अपने भूसी को बुलाएंगे। बूसी बूसी बूसी, आ जाओ मेरे प्यारे भूसी। ये क्या है चमकता हुआ, हीरा है का? आई डोंट नो ये क्या है, स्मॉल, अच्छा सोल है ये। ये अनूबिस का स्टैचू बना हुआ है, ये लेजेंडरी पाल है क्या? क्योंकि इसका स्टैचू बना हुआ है, अगर स्टैचू बना हो तो ऑफकोर्स ही लेजेंडरी होगा फिर तो। कहाँ पे है भूतनी के तू? तेरे को तो पकड़ के रहूंगा, मेरा भूसी पेल देगा तेरे को। ये खजाना मिला, पहले खजाना लूटने दो। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, देव योर सजना। मिला गोल्ड, पाल, सोल,
अरे अनुबिस किधर है बबुआ? अनुबिस भाई, अनुबिस यहीं पे। अरे पीछे छूट। पहले ये निकाल लें तो यार। अनुबिस कहाँ पे भाई? मैं एक तो जगह पे। भाई ये मत बोलना कि वो डिस्पॉन हो गया या कहीं घुस गया। रात में कहीं घुस जाता है क्या? भगवान, ये अपने स्टैचू के अंदर तो नहीं घुस गया कहीं? यहाँ पे कुछ है भाई? रुको, कुछ है यहाँ पे? क्यों हो? मेरे को लग रहा है क्यों के अंदर होगा। अरे मुन्ना ना, इसके अंदर क्यों नहीं है? ये है कौन इस तरह भाई? इसको पेला जा रहा है बे यहाँ पे। ये फव्वारे कौन मार रहा है? कोई सैंडिकेट मारो सालों को, उनको तो मारना ही चाहिए भाई। वो जो रहते हैं ना भाई, तो गुस्सा आता है उनके ऊपर, वो तोते भाई। अनुबिस तो दिख गया मेरे को भाई। मैं सच में अंधा हो गया हूँ कि तुम लोग को भी नहीं दिखा था? झूठ मत बोलना बेटे, तुम लोग को भी नहीं दिखा था। चलो पकड़ना। ये सोता नहीं क्या? अरे वाह भाई, तो सोता नहीं। हेलो भैया, तुम सोते होते नहीं होगा? नींद नींद नहीं आती तुमको? अभी तो कुत्ता है बे। अरे भाई ये बुला, अरे ये फाइटर टाइप पोकेमोन है क्या भाई? ये मेरे को बुला रहा है ये बंदा। भाई माँ कसम, ये बहुत गंदा मारा है इसको। एक एक का डैमेज दे रहा है ये तो। आहा, एक नंबर मिस किया भाई मैंने कसम से। और मेरा वैन रन मरने वाला है। बावन का डैमेज। अबे नहीं भाई, माँ कसम मैं गलत बंदे से पंगा ले लिया। ये भाई प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे को बचा ले भैया, मेरे को बचा ले। ये इनको नहीं उठाना है भाई। माँ कसम में बहुत गंदा मार रहा है ये आ रहा है बे ताले छुंदर की औलाद, एकदम पटक पटक के धोएगा पुन भाई उसको। उसके अटैक से पहले ही मैंने, अरे मार 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 उसको, मार 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 बच्ची उसको मार। अरे बहुत बढ़िया, हमसे आ रही थी मुन्नी भाई। 36 का डैमेज दे रहा हूँ। मार इसको, बिजली के झटके दे दे भैंस की टट्टी। हगने नहीं बोला था मैंने, मारने बोला था भाई। माँ कसम मारने बोला था मैं, हगने नहीं बोला था। जब मेरे को ग्रीस बोल्ट को, तेरी भैंस की। ये अनुबिस, हाँ लेजेंडरी पोकेमोन है यार, इनसे मैं मेरे को ठंडी लग रही है भाई। दो मिनट, मैं ठंडे वाला कपड़ा लाया हूँ, लाया हूँ मेटल आर्मर। भगवान, रात में ठंडी लगती है और दिन में गर्मी लगती है, मैं क्या करूँ? मेरा हेल्थ ऐसी जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। मैं ना थोड़ा ना ओल्ड ब्रो, नहीं भाई मेरे को अपना बेस जाना है, दिन करवाना है, उसके बाद आऊंगा मैं। उससे पहले मेरे को अपना पार्टी चेंज करना है भाई। ठंडी लग रही है, हाँ नंगा हो जा हराम जादे। मेरा पूरा सामान सत्यानाश हो भाई, गया मेरा सामान। वापस जाऊंगा तो ले ही लूंगा मैं ऑफकोर्स। चलो जल्दी सो जाता हूँ मैं। ओ यार गलत सीन हो गया भाई, उसके सामने कौन लड़ सकता है? तीन है कि रात ही है? अभी रात तो नहीं है, मेरे को ऐसे ही जाना पड़ेगा। होली शिट, कोई नहीं चले जाएंगे अब, क्या ही करेंगे। रुको, मेरे इसमें टीम में ना जो अच्छी खासी अटैक, ब्रोंटी चेरी एक्वा, ब्रोंटी चेरी एक्वा क्लैर, नहीं इसको नहीं रखूंगा भाई। आलतू फालतू के डायनासोर को नहीं रखूंगा। सबसे पहली बात ना, ग्रीस बोल्ट को रख सकता हूँ यार, ये ग्रीस बोल्ट बहुत काम आएगा। ऑफकोर्स भाई पेल देगा, ये 38 लेवल का है, पेल देगा। और आई गेस मेरे को ये रखना चाहिए, फॉक्स पार से आग लगा सकते हैं तन बदन पे उसके। हाँ ये तो है, सही बात है। चलो मेरे भाई लोग, अभी मैं जल्दी से वहाँ पे पहुँचता हूँ रेगिस्तान में, उसके बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। और एक एक ये रख ले रहता हूँ फायर रजिश। अबे ये नहीं बे भाई, दो मिनट रुको। हाँ यहीं पर ही तो था। हाँ गेम बॉय, ये वाला रख ले रहता हूँ। चलो अब वहीं पर से पूरा सामान उठाऊंगा मैं। और सबसे पहली बात, थोड़ा पाल्स लोगों को खाना खिलाना है, उसके लिए मेरे को ये ब्रीड ब्रीड हो गया होगा क्या? चलो वो वाले बेस पे भी जाना है। अरे वाह ये चाहिए मेरे को, क्योंकि पाल्स को खिलाना पड़ेगा मेरे को खाना, क्योंकि ये लोग रो रहे हैं। जैसे कि ये रो रहा है, ये भी रो रहा है, ये भी रो रहा है, सभी रो रहे हैं भाई खाने के लिए। तो कितना ब्रीड हुआ है? ए ब्रीड ब्रीड 4 के 4 अंडे भाई, 4 मैंने रखा था, 4 अंडे दे दिए इन लोगों ने।
थैंक यू सो मच मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने। अनुबिस पैदा करो। ए सच में अनुबिस आएगा ना? पता चला तुम लोगों ने स्कैम कर दिया मेरे साथ में। इंक्यूबेशन, लेट्स गो। अनुबिस आ गए एक लेवल का है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग, थैंक यू सो मच यार, लेट्स गो यार गाइस। एक और मिल गया, लेट्स गो। मतलब चार चार, मतलब वो पकड़ना है लेकिन 42 या को भी जो भी लेवल का था वो पकड़ के रहूंगा भाई मैं। वो ज्यादा अच्छा है ना, ऑफ कोर्स भाई वो ज्यादा लेवल का है। डायरेक्ट हम लोगों को एक लेवल का नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट हम लोगों को 42 लेवल का मिल रहा है। अनुबिस को रुको, अनुबिस को मेरे को ना इनकी वर्क स्पीड तगड़ी नहीं। वैसे तुम लोगों ने बोला कि इसकी वर्क स्पीड भी अच्छी होती है और ये अटैक भी बहुत तगड़ा करते हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपने बेस पे एक रख दिया रहता हूँ, जैसे कि वैक्सी। अरे हाँ, हम लोगों को वो भी रखना था ना गाइस, वैक्सी को कहाँ पे रखना था तुमको बताता हूँ मैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रख, ये जगह पे रख देता हूँ। वैक्सी किधर है रे तू? ए वैक्सी वा, तू इधर है ना, तू वापस इधर आ। तुम लोगों ने बोला था कि अबे रुक जा। ए चाची, हाँ जे बात, वैक्सी को मैं रखूँगा ये वाली जगह है। ये क्या निकल रहे हैं? रोको जरा, इसके अंदर में फूल दे मिल रहा है मेरे को, गोल्ड कॉइन भी मिल रहा है इससे। अभी ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो गोल्ड वोल्ड दिला रहे भी मेरे को? ए भसकी उसकी करके ला रहे हो कर कहीं से तुम लोग? पता नहीं, चलो मैं जल्दी से वहां पे चलता हूँ यार, रेगिस्तान वाले इलाके पे। A few moments later. तो मेरे भाई लोग यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, हॉट लग रहा है भयंकर वाला, ऑफ कोर्स लगेगा मेरे को। और मैं क्या करता हूँ पता है, वो हॉट वाला मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं आर्मर पहनूंगा ताकि मैं ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकूँ। ऑफ कोर्स भाई वो पहनना ज़्यादा जरूरी है ना भाई यार, फिर बाद में पहन लेंगे वापस से वो ठंडा वाला कपड़ा, मतलब वो हीट रेजिस्टेंट वाला कपड़ा। आई आई यो, ये कौन सा अंडा डार्क है गए? ले भाई ये तो लेना ही है चाचा हमको, हम मरे यहाँ पे है ना। कर बेटा यहाँ से ये ले ले भाई। यस, ये यहाँ पर से क्या है जिसमें ये हट नहीं रहा है? कोई बात नहीं, मत हट साले। और ना सबसे पहली बात ना, मेरे को ये आर ये अभी हीट रजिस्ट मेरे साथ ही ऐसा होना था। पेल दिया इसको इसने, लोल। भाई तू अंदर आ, तू पेल देगा नहीं तो। और अनुबिस यहाँ पे और इसकी तो खटिया कड़ी, मैं आप करके ही रहूंगा, ओढ़ूंगा नहीं रे। अब तो सच में इसको पेल के रहूंगा भाई। एक ऐसी जगह चाहिए मेरे को जहाँ पे मैं ना पत्थर के पीछे घुस सकूँ, समझ रहे हो ना चाचा तुम लोग? जैसे कि मैं पहले तो ग्रीस बोल्ट निकाल लूँ। बेटे दे रही तो खटिया खड़ी। अरे भाई सामने से हटना, 70 का डैमेज देता हूँ भाई मैं। भाई ये क्या 1900 मतलब ऑलमोस्ट 2000 का मारा इसको। अबे साला मार क्यों, 470 का डैमेज। भाई ये कितने का डैमेज दे रहा? एक का डैमेज दे रहा आई गेस ये, और गलत नहीं हो तो। अभी भाई भाई ये है भाई, ये लेजेंडरी है भाई, ऑफकोर्स ये लेजेंडरी तो मारेगा ही है। एक अच्छी चीज़ है कि ये मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अरे उसी की तरफ ध्यान दे चाची। अरे चाची गलत बात चाची, ये फाइटर टाइप पोकेमोन है भाई, मेरे पीछे आ रही है। अरे मेरे से 10 गुना बड़ी होगी भाई। भाई ग्रीस बोल्ट तो हक दिया बे, एक एक का डैमेज दे भाई। नल्ला तो है अपना बंदा, माँ कसम मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, क्यों रखा रहा इसको? भूसी को बुलाने दो, भूसी मेला बूती बूती बोटी बोटी करते मैं इसकी टट्टियाँ निकाल दे इसकी, जा भूसी मार उसको। अरे यार मैंने कुछ तो भी किया इलेक्ट्रिक वाला कुछ। अब ये भाई पता नहीं इससे कितना डैमेज, ओ ये एक एक का डैमेज दे रहे भाई ये लोग, माँ कसम। अरे तुम लोगों ने ये बताया तो नहीं कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है यार, इतना तो बता देते तुम। अनुबिस अच्छा होता है ये तो बता दिया, बट ये कौन बताएगा कि वो बहुत खतरनाक होता है, पेल देगा तुमको। हैं भाई तुम लोगों ने तो विश्वासघात किया रे मेरे साथ में। 70 का डैमेज भाई, मैं 70 का दे रहा हूँ, इतना कम कैसे दे रहा रे मैं? पड़ा मेरे को बिजली के झटके मार इसको भी, बहुत बढ़िया भाई। वो 1800 हमने, ये बहुत गंदा मार रहा है। रिलोड करना चाचा, भाई फॉक्स पार्क निकालू मैं। हाँ उसी के पास जा, उसी के पास जा, उसी के पास जाना बे। ये आंटी, ए भगवान
बच गया, ये हुई ना बात गेम बॉय, बचने वाला काम किया मैंने अभी। सबसे पहली बात तो ये मेरे पास, अरे अरे भाई मेरे लाल, मार इसको, दबा साड़े को, हाँ भूंज डाल आँख से, बचनी नहीं चाहिए ये भाई। अपना वो यूज करना, बहुत बढ़िया, ये मैंने बोल दिया इसको अपना वो यूज कर। ये मर गया, ओह माय गॉड, मम्मी जल्दी मेरे पास आ, कुत्ते मेरे पास आ, मैं मर गया। मैं एक लात में कैसे, मेरी हेल्थ अच्छी थी, एक लात में मैं कैसे मर सकता हूँ, मेरे को समझाओ कोई। ये इतनी लेजेंडरी नहीं हो सकती, इसको मैं मार नहीं पा रहा हूँ। बाबे वापस आना पड़ेगा, दुख दर्द पीड़ा भाई माँ का सब बहुत गंदा हो रहा है मेरे साथ में। One eternity later. भाई अभी ये अनुबिस का बच्चा मेरा हुआ, क्योंकि मैं इसको पकड़ने वाला हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है, ये चूजों पे गुस्सा आ रहा है मेरे को भाई। एक तो ये लोग मैं मरा, एक मुक्का पड़ा, मतलब मैं मरा, यही तो नहीं पड़वाना है अपने आप को एक मुक्का। अरे मोटे मारना उसको, इसी दिन के लिए तेरे को पकड़ा था के साड़े। या आर यू सीरियसली मैन, आहा हा पूरा वेस्ट कर दिया रे, 2%, आर यू किडिंग मी भाई। बढ़ रहा है, समझ गया बढ़ाना कैसे है, इसको मानना है भाई। अभी तो 500 हेल्थ बाकी है भाई इसका, तेरी आर्मर की तो ऐसी तैसी कर दी भाई इस बच्चे ने, ये भगवान। एक तो रिलोडिंग में ना 2-4 घंटे तो ऐसी ले लेता है भाई, ये कैसे करूं मैं, ये रिलोडिंग वाला सिस्टम बेकार है भाई इसका, एक गन ये टट्टी है साला। 39, ये थक्स भी आ गए, सिंडिकेट थक्स भाई, इनको चाहिए भाई ये बंदा है। टेटे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या हरामी है यार ये बंदे। अगर ये मुक्का पड़ जाता ना भाई, मैं स्वाहा हूं, मैं सच में स्वाहा था, ये मुक्का अगर मेरे को पड़ जाता तो मैं नहीं पड़ जाता। ये क्यों भाई, क्यों आ रहे हो तुम लोग यार, 22%। यस 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 भाई, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ भाई। तुम लोग को नहीं पता कितने देर से लड़ रहा हूँ यार मैं, इससे पकड़ ही नहीं रहा था, एनिमीज पकड़ लिया मैंने। लेट्स गो भाई, एक्सपीरियंस पॉइंट्स बस देखो भाई, तुम लोग कितने मिले हो भाई अपने को, और मेरे ना कितने, मेरे पार्टी में 2-3, ये गया मेरा, ये मोसांडा गया है। लेट्स गो गाइस, अबे तुमको भाई क्यों, भाई क्यों, क्या चुल मची बे तुमको, अबे अब ये क्या मार क्यों नहीं रहा उसको। हट जाओ साले तुम अब, वाह बम में भी नहीं उड़े ये लोग, मर गया ब्रो। जो ये मैंने इतनी मेहनत की है ना भाई, वर्थ इट है भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं। ये क्यों, अरे हाँ ये तो मरा मुराया बेचारे को निकाल रहा हूँ मैं, अबे ये निकलना तू ब्रो, मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं अनुबिस मैं आ रहा हूँ मेरे बैठे भाई, और यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ मैं जा रहा हूँ भाई अनुबिस के पास में, मैं जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को मिल गया लेजेंडरी वा पोकेमोन। डिंग 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 डिंग। भाई मैं तो जा रहा हूँ, इसका अटैक देखना है मेरे को, चलो जल्दी से मैं घर पहुँचता हूँ ठीक है। The next day. तो यस मेरे भाई लोग, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, लेट्स गो। वैसे मेरे पास में कितने अनुबिस है, 4 है भाई। 2 मिनट आज मैं वो जो करने वाला हूँ ना कर सकता हूँ, मतलब एक्चुअल पे रुको यार, ये तो कर सकता हूँ ना मैं, ये वाला कांड, मतलब इसमें हम लोग, बताता हूँ इसके बारे में, तुम लोग को मैं बहुत बताया हुआ था ना, मतलब मीन्स कर नहीं पाया मैं कभी। रुको हम लोग यहीं पर रखते हैं, कहाँ पे रखूँ मैं, यहीं पर रख दूँ ना भाई, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, लेट्स गो भाई। ओह 5 मिनट लगेंगे बनने में, वेरी नाइस भाई, इसको बनने देते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। अरे भाई 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 भाई, भाई सबके सब आगे बनाने के लिए, लेट्स गो भाई, लेट्स गो, या बन चुका है, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारे पास में डार्क एग है ना ये वाला, इसको भी अपन देखते कि कौन आने वाला है अपने साथ में। कौन है, माऊ, ओके डार्क पोकेमोन है माऊ, मेरे को अभी पता चला यार।
अब इसमें क्या निकलेगा? प्लीज माऊ और डाई ड्रीम के जगह पे कोई और निकल जाए, मजा आ जाएंगे भाई। माउच निकली है, वेरी नाइस ब्रदर, जो कि नहीं चाहिए था ब्रदर। अब सबसे पहली बात ये देखो, यही चीज मैं बोल रहा था, ये अगर अच्छा वो अनुबिस को मेरे पार्टी में डालना पड़ेगा ना, ठीक है। अरे रेड यार, ये भगवान, ये लोग अनुबिस को निकालने दो, हमारी तो खटिया खड़ी मैं करवाता हूँ बेटे। ये रहा अपना अनुबिस 47 लेवल, माऊ को जगह पे लगते अपन इसको, ठीक है। बाहर है क्या वो लोग? अरे लड़ो फिर तुम, मरो साले, मरो तुम लोग, मेरे कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे कि मेरे को ये सेलेक्ट करना है, अब उसके बाद में जितने भी अनुबिस है ना उसको सेलेक्ट, कितने अनुबिस? चार चाहिए ना मेरे को अभी, ये एक दो तीन, अभी मैंने चार तो रखे थे। अरे एक को मैंने बेस पे रखा हुआ है काम करने के लिए यार, तो स्टार्स बढ़ जाएंगे इनके, समझ रहे हो तुम लोग? तो ये सीन है भाई, इसको ऐसे अपग्रेड कर सकते हैं, इनके लेवल अप कर सकते, मतलब कि। तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी पहले बोला जो अनुबिस है जिसको हम लोगों ने काम पे लगाया ना, उसको भी हम लोग बोलते हैं कि बेटे तू आ जा, छुट्टी ले ले तू अब, चला बेटे किधर है तू? यहाँ पे ना, ये वाला अनुबिस यहाँ पे रख देते हैं, लेट्स गो। अब जाते घर पे, इनमें सेक्रीफाइस हो जाएंगे ना, लेकिन याद रखना ये जो भी अनुबिस बचेंगे ना, जो चार, जो देखो एक स्टार ब्लिंक कर रहा है, अगर मैं ये काम करता हूँ तो लेट्स गो। जैसे कि यहाँ पर से एक दो तीन, और एक मैंने जो था वो कहाँ रखा था, ये देखो चार, देखो एक्सट्रैक्ट फुल, मतलब कि अब ये चार लोगों का मैंने सेक्रीफाइस करना है, समझ रहे हो? सेक्रीफाइस करना, तो इनके पावर्स जो है ना इनके साथ जुड़ जाएंगे, जो 47 लेवल का अनुबिस है उसके साथ में। तो लेट्स गो गाइस, कितने लेवल का हो गया? एक लेवल का, मतलब एक स्टार का हो गया, देखो स्टार बढ़ गया, इसके स्टार नहीं थे पहले। एक बार और चेक कर लूँ मैं भाई, ये देखो आवाज, देखो ये देखो, जैसे कि ये 45 लेवल का, ठीक है, एंड ये देखो स्टार बढ़ चुके हैं, लेट गो। लेकिन इसके अटैक्स, ये अर्थ एम्पेरर, तो अर्थ अटैक डैमेज, अच्छा वो जो ऊपर उठ के जो पेलता है ना भाई, हाँ भाई सही है। अब इसका हम लोगों को देखना है कि भाई इसका एक्चुअल, अरे ना 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 ना, तुम लोगों ने बोला हुआ था कि ये ना माइनिंग वगैरह करती है और काम करने में एक, अभी तेरी भैंस की स्पीड तो है इस बंदे में, जरा देखिए कितना जल्दी काम करती है, ये माइनिंग कैसे करती। What? ये पहले बहुत स्लो होता था जब कोई हिरन विरन मारते थे तब, मतलब तोड़ता था तब ये, मतलब अगर मैं इसको काम वगैरह भी दूंगा तो ये फटाफट कर देगा, मतलब ये भाई, ये बंदा तो माइनिंग के लिए भी अच्छा है। अब इसका अटैक देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, अटैक वगैरह कैसा है इसका। अटैक ऑफकोर्स अच्छा खासा होना चाहिए, लेजेंडरी पाल्स है यार हमारा। एंड यस मेरे भाई, अगर आप में से कोई चैनल पे ना, अगर आप लोग को मेरा गेम प्ले अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे ही मजेदार मजेदार गेम प्ले सारे तुम्हारे लिए लाते रहता है। नेक्स्ट एपिसोड में और भी क्या क्या चीज़ें करूँ मुझे कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना। एंड उससे पहले जाऊँ, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो केक बचे हुए ना गाइस, उनको मैं लेके चलता हूँ। अभी एक ही केक बचा, मेरे को और केक बनाने, केक खराब हो गया, उसे अच्छा पूरा लेके चले जाता मैं, यही होता है गाइस। तो ये केक को मैं अंडे 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 क्या बोलता हूँ, ब्रीडिंग के लिए लेके चलता हूँ। ये वो अंदर, इसको अंदर मैंने किया है, हैं? मेरे को नहीं पता था भाई। अरे चाची तुम इधर आओ ना, तनिक इधर आओ बिटिया, तुम्हारा ब्रीडिंग करवाता हूँ बिटिया मैं। हेलो बिटिया, ये है ब्रीडिंग हो रहा है। अभी मैं जितना भी हो सकता ना उतना केक बनाऊंगा एंड बच्चे पैदा करवाएंगे गाइस अपन, ठीक है। एंड देखते कि नेक्स्ट एपिसोड में कितने बच्चे तुम लोग को दिखलाने वाला हूँ। ऐसे मेरे को रुको 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 रुको, एक चीज़ तुमको दिखलाना था, मीन्स अभी चार लगा था, सेक्रीफाइस किए थे, लेकिन बाद में बढ़ जाता है वो, जैसे कि तुमको दिखलाता हूँ मैं। वैसे अनुबिस को जैसे हम लोगों ने किया ना, वैसे ही हम लोगों ने ब्राउन चेरी को कर सकते हैं, ब्राउन चेरी एक्वा, तो इसके लिए ब्राउन चेरी एक्वा बहुत सारे चाहिए रहेंगे अपने को, समझ गए ना तुम लोग? अब जैसे कि इसको मेरे को करना है, देखो अब 16 चाहिए मेरे को पाल्स, मतलब कि अनुबिस 16 चाहिए तब जाके ये लेवल स्टार टू बढ़ेगा। तो जो जो सबसे लास्ट स्टार है वो 4 स्टार का है, 4 स्टार का हमारे पास अनुबिस हो जाएगा ना भाई, मजे हो जाएंगे चाचा, मजा आ जाएगा, बहुत खतरनाक होने वाला है। और यस मेरे भाई, चलो तो फिर आज का एपिसोड मैं यहीं तक रखने वाला हूँ। लाइक नहीं करो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर भूल गया होगा लाइक करना फटाफट से लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो। और मेरे भाई कोई भी एपिसोड मिस कर दिया, प्लेलिस्ट का लिंक मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स मैंने पिन कर दिया, फटाफट से जाके तुम लोग एपिसोड्स वगैरह चेकआउट कर लो एंड प्लेलिस्ट चेकआउट करो यार मेरे चैनल का, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे गेम्स खेल रखे, तो वो भी तुम लोग चेकआउट करो, बहुत ज्यादा मजा आएगा तुम लोगों को। तो जाओ मेरे भाई चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो, वीडियोस देखो, एंजॉय करो, तब तक समझा रहा तुम्हारे लिए एक और नया गेम रिकॉर्ड करने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।